इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सर्वशाहूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं अजैन में पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरे से कोई हिंसा ना हो एवं मेरे कारण होने से किसी भी जीव को ठेस ना पहुँचे, फिर भी जाने अनजाने में हिंसा हो जाती है, तो मुझे उसके लिए क्या पश्चाताप करना चाहिए? सावधानी, जितना सावधानी रख सको रखना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं 1 तारीख से 24 तारीख तक क्रम से 24 भगवानों की जाप देता हूँ, क्या यह सही है या कोई और तरीका है जाप देने का? कोई बात नहीं। महेंद्र कुमार जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान सफलता की यात्रा में धूप का अत्यधिक महत्व है। छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। महाराज जी, कैसा पुरुषार्थ हो कि कड़ी धूप में भी छांव का आनंद ले सकें? प्रातःकाल के प्रवचन आप सुनिए, इसी बात को लेकर के उपदेश दे रहे हैं। महावीर स्वामी ने हमेशा अपने साधक को धूप में खड़े करके छाया के आनंद की बात कही है। आज प्रातःकाल ही प्रवचन में आया था, साधु सबसे ज़्यादा कष्टों में रहता है, साधु सबसे ज़्यादा खुश रहता है। आप देख लीजिए, गर्मी में एक बार भोजन पानी करता है, गर्मी सर्दी गर्मी सबको लगती है, केशलोन चादी सब करते हैं मुनि महाराज लोग, तो ये सब कष्ट हैं। इतने कष्टों के बावजूद यदि जितने कष्ट हम लोग झेलते हैं, इतने कष्ट तुम्हें आ जाएं, तो तुम तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। और इतने कष्टों के बाद भी साधु के चेहरे पर क्या दिखती है? खुशी दिखती है। तो इसी की तो साधना है, धूप में छाया का आनंद लेना ही साधना है, तपस्या है। सारी दुनिया को छाया दे और स्वयं धूप में खड़ा रहे, उसी को वृक्ष कहते हैं। वृक्ष होता है, एक बार हमने एक कविता लिखी थी नए वर्ष के लिए, हे नया वर्ष मुबारक हो, हे नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरे को, मैं तो वृक्ष बन गया हूँ,
धूप में खड़े होने की आदत पड़ गई है, लेकिन हे नया वर्ष, इस पेड़ में इतने पत्ते दे देना जो पथिक इस पेड़ के नीचे आए उसको छाया दे देना। मुझे तो धूप में खड़े होने की आदत पड़ गई है। वृक्ष सहार सदा धूप में रहता है, सदा धूप में रहता है, लेकिन उसके नीचे कोई जाता है तो छाया देता है। तो बस वृक्ष बनना सीखो और ये निकालना सीखो कि जितनी प्रतिकूलताएं हैं उतना ही हम आनंदित होंगे, उतना खुश आओ। जिस दिन थोड़ी प्रतिकूलता है उस दिन ज़्यादा हंसो, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा बोलो और जितना आनंद बनाओ बनाओ। प्रतिकूलताएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। प्रतिकूलताएं कुत्ते के स्वभाव की हैं, प्रतिकूलताएं कुत्ते की जाति होती है। कुत्ता जैसे तुम्हारे पीछे पड़े और तुमने भागे तो कुत्ता क्या करेगा, और खड़े होकर है कुत्ते क्या बात है तो वो दुम हिला देता है। इसलिए प्रतिकूलताएं कुत्ते की जाति की होती हैं, इनसे जितना अपन भागेंगे ये काटेंगे, और जितना अपन मुस्कुरा के सामना करेंगे ये प्रतिकूलताएं भी पूंछ लाने को तैयार हो जाएंगे। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दर्शनोपयोग और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है या क्या भेद है? दर्शनोपयोग अलग है, एक ज्ञान दर्शन गुण कहलाता है, और सम्यक दर्शन हर जीव के पास नहीं होता, वो पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। समीचीन श्रद्धान वो संगी पंचेंद्री भव्य को ही होता है, उनमें भी विरलों को होता है, उनको भी तत्व दृष्टाओं को होता है। जो समीचीन रूप से सच्चे देव साध गुरु जिनको मिल जाते हैं, उनके कथन पर जिनको विश्वास होता है, उन्हीं को होता है। बाकी शेष लोग दर्शनोपयोग सभी संसारी प्राणियों को होता है, दोनों में बहुत अंतर। एक मोक्ष मार्ग है और एक जीव का लक्षण है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्वादश वर्षीय कोर्स से हैं, वहाँ आत्मा में केवल घातिया कर्मों को मलभूत बताया है, अघातिया को नहीं, और पहला प्रश्न। और दूसरा, केवली भगवान घातिया कर्मों को मलभूत कहा है, मल के समान मल, हाँ। और अघातिया को नहीं, केवली भगवान को साता असाता कर्मों का उदय बताया है, गुरुदेव केवली भगवान को असाता का उदय कैसे हुआ? घाटिया कर्मों को मल इसलिए कहा कि वो ज्ञान दर्शन गुणों को मलिन करते, अघातिया कर्म मलिन नहीं करते, वो उसकी शक्ति को कम करते और ये मलिन करते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्मों को रज भी कहते हैं, ज्ञानावरण मोहिनी को अरि रज रहस्य विलीन, अरि यानि मोहिनी कर्म, रज यानि मैल, जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, और रहस्य यानि अंतराय। इसलिए वो ज्ञान दर्शन की जो पवित्रता है शुद्धता है उसको मलिन करते हैं इस अपेक्षा से। दूसरा है कि केवली भगवान को साता असाता कर्मों का उदय बताया है, बना रहता है, असाता का भी उदय रहता है, लेकिन वो असाता का भेदन नहीं करते, क्योंकि एक तो उनका उपयोग नहीं है, दूसरा वर्तमान में जो साता का ईर्यापत आश्रय हो रहा है उस कारण से उस असाता का भेदन नहीं है, और उदय मात्र रहता है, उदीर्णा नहीं है। तीन कारण हैं, पहले असाता कर्म की उदीर्णा नहीं रहती, उदय छठे गुण स्थान तक उदीर्णा होती, तो उदय ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता, दूसरा उनका उपयोग उस तरफ है नहीं, तीसरा कारण है कि ईर्यापथ आश्रव की साता इतनी तेज होती है कि वो असाता कोई प्रभावकारी नहीं होती। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, मेरे परम पूज आराध्य परम उपकारी आगम कुशल गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, चतुर्थ काल में ग्रंथ आदि लिपिबद्ध नहीं हुआ करते थे, तो उस समय श्रावक श्राविका किस तरह स्वाध्याय करते थे? पहले क्या था, क्रेन नहीं थी, ब्रेन था। अब ब्रेन तो गायब हो गया है। यदि कहेंगे भाई तीन और दो को थोड़ा गुणा करना कितना हुआ, तो मोबाइल निकाल दो, महाराज बता रहा हूँ।
पहले लाखों करोड़ों का हिसाब उंगलियों पे गिन देते थे, कोई मोबाइल नहीं था, कोई कैलकुलेटर नहीं था। आज तो तीनों दो पांच को गुणा करने के लिए कहा जाए तो वो गुणा है ना, ब्रेन बिल्कुल खत्म हो गया, सारी चीजें यंत्र के अधीन हो गई, और यंत्र बिगड़ जाए वो गलत निकाल दे तो कबाड़ा है यदि वो, तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो पहले लोग गुरु के मुख से सुन करके याद कर लेते थे और निरंतर उनको याद रहता था और चर्चाएं करते थे। चौथे काल में विदेह क्षेत्र में आदि राजा महाराजा गोष्ठी बैठकर चर्चाएं करते हैं बिना देखे, ऐसा स्मृति शक्ति रुचि थी ऐसा। चमेली जैन बड़ा गांव से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, तीनों वेदों से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तीनों वेदों से, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद से भी मोक्ष प्राप्त होता है क्या? तीनों वेद भाव वेद की अपेक्षा है, भाव वेद में तीनों वेदों के साथ मोक्ष है, लेकिन द्रव्य से तो पुरुष ही होना चाहिए तभी मोक्ष है। सिंगई सम्राट जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मुनिराजों को केवल ज्ञान हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाना तो निश्चित होता है, पर क्या उन्हें केवल ज्ञान से पहले होने वाली अन्य 63 विद्यां स्वयं में भी प्राप्त होती होंगी या नहीं? नहीं, 63 विद्यां सभी केवली को प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं, एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं है तो भी केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कोई बात नहीं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कमट का जीव संभव देव भी काल लब्धि पाकर शांत हो गया, उसने सम्यक दर्शन की विशुद्धिता को प्राप्त किया, क्या दिगंबर मत हैं या इनके 10 भाव में कमट के किसी दूसरे जीव के साथ कोई ऐसा कर्मबंध नहीं हुआ? अब इसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कार्य देखा जा रहा है तो कोई कर्म तो जरूर था, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म था कि पारसनाथ को 10 भाव तक कष्ट उठाना पड़े, इसके संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, महाराज जी, समोषण में विराजित तीर्थंकर भगवान को सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है या नहीं? समोषण में विराजमान के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी तीर्थंकर को नहीं होगा, उनको समोषण का त्याग करना ही पड़ेगा, समोषण को छोड़ने के बाद फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नाम का तृतीय शुक्ल ध्यान होता है। समोषण में किसी को सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी नाम का ध्यान हुआ है ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं, समोषण में से किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं, सामान्य केवली आदि वहाँ विराजमान रहते हैं, लेकिन किसी ने समोषण में मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, उनके नक केशों का विसर्जन हो गया हो और वहाँ नागनी कुमार देवों को मोक्ष कल्याणक मनाने आना पड़ा हो, समोषण के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं। समोषण के अंदर वियोग कुछ भी, ना तो कोई मरता है और न किसी को मोक्ष होता है, समोषण की सीमा के अंदर बाहर जाना पड़ता है। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शरीर के अंदर अनंतानंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, तो मन में आता है कि निगोदिया जीव की हलन चलन की वजह से शरीर पर खुजली आती है, लेकिन खुजलाना भी जरूरी होता है, तो लगता है कि खुजलाने से इन निगोदिया जीव का घात होता होगा, जिसका पाप मुझे लग रहा है, महाराज जी इसका समाधान करें। निगोदिया जीवों से चिंता मत करो, कोई खुजली नहीं चलती, निगोदिया जीव के चलने पर जो खुजली चलती ना, तो अभी तक तो तुम खुजला खुजला के खरोंच लेते, निगोदिया जीव इतना सूक्ष्म है कि उसके चलने फिरने से किंचित मात्र भी खुजली आदि नहीं चलती, खुजली चलती है चर्म रोग से, रोग से खुजली चलती है त्रस जीवों से, कोई छोटी सी चीटी, छोटे छोटे से कुंथु जीव अपने शरीर पर चल रहा है और वहाँ अपन को खुजलाने का भाव हुआ तो निगोदिया जीव नहीं है, वहाँ त्रस जीव है, दो इंद्री से लेकर 3 इंद्री 4 इंद्री जीव है खुजलाने के बाद,
और या फिर आपकी चमड़ी में कोई रिएक्शन है, बाकी निगोदिया जीव से कोई खुजली नहीं होती है ऐसा। अरु जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं 10 साल की बालिका हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भगवान के नाम के साथ नाथ और महाराज जी के नाम के साथ सागर क्यों लगाया जाता है? ये सम्मान सूचक है, स्वामी है वो हमारे सारे जगत के, इसलिए नाथ लगा दिया जाता है। नाथ हम भक्तों ने लगाया, उनका ओरिजिनल नाम तो ऋषभ कुमार रखा गया था, लेकिन भगवान बनने के बाद लोग नाथ कहने लगे उनके गुणों को देखकर। सागर शब्द भी सम्मान सूचक है, सभी मुनियों को सागर लगाते हो ऐसा नहीं, किसी को नंदी भी रखते हैं विद्यानंदी, किसी को सागर भी लगा देते हैं, तो एक महापुरुषों के साथ एक सम्मान सूचक शब्द है, प्रत्येक नाम के साथ एक सम्मान सूचक शब्द था, आप लोगों ने उसकी कटिंग कर दी आजकल। पहले ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था घर में जिसके साथ कुमार या चंद नहीं लगता हो, लेकिन आज का फैशन चल गया कट, अब कोई कुमार नहीं लगाता, पहले पूरा नाम लिखता था प्रदीप कुमार, नाम सही यही होगा, यही था ना प्रदीप कुमार, लेकिन नाम अब सब क्या बोलते हैं प्रदीप, पर सबके नाम, ये जो कट सिस्टम चला है ना ये आजकल कुमार, बच्ची के साथ लगाते थे कुमारी बाई, शादीशुदा है तो रानी बाई आदि लगाते थे, कोई ना कोई शब्द आर्य पुत्रों के साथ में एक सम्मान सूचक शब्द बाद में लगाने की परंपरा थी। आपके फैशन, आप लोगों ने तो फैशन छोड़ दिया नई फैशन में, हम लोग नई फैशन वाले नहीं है ना, इसलिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन आगम में कई स्थानों पर समाचार शब्द कई अर्थों में उपयुक्त होता है, तो इसका प्रयोजन स्पष्ट करें। समाचार जैसे मूलाचार में समाचार आता है, समाचार होता है, सम यानी बराबरी वालों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसे समाचार कहते हैं। मुनि मुनि के साथ जो व्यवहार करता है, श्रावक श्रावक के साथ व्यवहार करता है, अपने बराबरी वालों के साथ मिलने पर हम क्या समाचार करें, तो उसको समाचार बोलते हैं, आदान प्रदान को एक प्रकार। लोकप्रिय चैनल सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल के लाखों श्रुति दर्शकों की ओर से एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन पुनी चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के जिज्ञासा के लिए प्रथम जिज्ञासु श्री सनत कुमार जैन तालबहट, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हजारी लाल जैन जी आगरा। नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम जब मांगी तुंगी गए वहाँ पे जो अभिषेक हो रहा था, तो वहाँ जब अभिषेक किया तो उनने कहा हम हमारी श्रीमती जी से कि आप भी अभिषेक करो, तो इन्होंने कहा हम नहीं करते हैं, तो स्वामी जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं करते हो, कहाँ के हो, हमने कहा महाराज जी हम तालबेहट जिला ललितपुर के हैं, तो स्वामी जी ने कहा अरे भैया उनसे मत कहो, वो सुदासागर जी महाराज का एरिया है, उनसे तो दूर रहो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारी पता नहीं क्या मेरा टेलर ऐसा है कि जहां मैं नहीं गया वहां भी चल रहा है। महाराज जी हमारी छोटी सी ज्ञासा है, जैसे कि जय मतलब जैसे ग्वालियर के यहाँ कभी किसी की मतलब मृत्यु हो जाती है उसके यहाँ, जिसके यहाँ से हम लोग दूध लाते हैं, तो उसका दूध मुनि महाराजों को या मतलब त्यागी ब्रजों को हम कितने दिन तक नहीं दे सकते हैं, जैसे हम लोग तो 3 दिन बाद ले लेते हैं, मतलब ग्रस्त लोग उनके यहाँ मरण आदि होने से गाय को कोई नहीं, गाय को नहीं महाराज जी, उनके घर में मनुष्य को, उनके मतलब भाई पिताजी वगैरह को। शास्त्र में तो ऐसा लिखा नहीं, पर उससे न दुहा करके तुम दुहाया करो अपने हाथ से धो के ले, और क्या नहीं, गाय को सूतक नहीं, गाय में कोई मर जाए जी जाए, हाँ गाय को सूतक नहीं लगता है,
लेकिन परिवार वालों को तो जरूर सूतक लगना चाहिए, उनके हाथ का ना लेकर के दूसरे के हाथ का ले। जैसे हम लोग भी महाराज जी 3 दिन तक नहीं लेते, जैसे मतलब उनके यहाँ जब तक स्वच्छता ना हो जाए तो अच्छा है, बढ़िया है। नमस्ते। पर गाय का ऊपर गाय का बहिष्कार नहीं करना, गाय तो बिना सूतक की है। श्री हजारीलाल जैन आगरा के बाद तैयार रहेंगे। जखौरा से श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, उनके साथ खड़े हो जाएंगे श्री अजय कुमार जैन बड़गड़िया, श्री नवीन जी और समस्त जखौरा से पधारे हमारे श्रद्धालु भक्त। परम पूज निर्यापक श्रमण मुनि श्री 160 सुदासागर जी महाराज जी की को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज 105 गंभीर सागर जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्षयोपशम का लक्षण क्या है, और क्षयोपशम को जब ज्ञान के विषय में, दान के विषय में, लाभ के विषय में कहा जाता है इसे बढ़ाओ, तो इसे बढ़ाने का उपाय क्या है? क्षयोपशम का अर्थ है तो कुछ क्षय कर देना, कुछ उपशम कर देना, यानी जब किसी चीज़ को हम पूर्णता साफ नहीं कर पाते हैं तो ऐसी चीज़ की सफाई कर दो जो बाधक है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें यदि आता है तो वो क्षयोपशम कहलाता है। हमारे यहाँ उसकी परिभाषा ये है, सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्ता रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय को क्षयोपशम बोलते हैं। आपके लिए ये है कि जैसे कोई गंद मैला पानी है तो उसमें इतना गंदा हो कि पीने लायक ही नहीं हो, तो ऐसी गंदगी तो निकाल दी, लेकिन अभी पूर्णतः साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो पीने में बाधक नहीं है। हम ज्ञान को बिल्कुल तो नहीं ढक रहा है, लेकिन हमें ज्ञान पूरा नहीं होने दे रहा है। हमें देखने में बाधा तो नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं देखने दे रहा है। तो इसको बोलते हैं क्षयोपशम का अभाव। इसके बढ़ाने के तरीका एक ही है कि जिस संबंध ही हमें ज्ञान बढ़ाना है उस संबंध में हम सम्मान करें। ज्ञान क्षयोपशम बढ़ाना है तो ज्ञानियों का सम्मान करें, ज्ञानियों को देखकर हम उनको हर्ष प्रकट करें, ज्ञानियों को हम रिस्पेक्ट दें, और जो ज्ञान हमारे पास है जिनवाणी है इसको हम जितना सम्मान करेंगे, जिनको इज्जत देंगे, तो हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमारे पास जो नहीं है वो किसके पास है, बस उसको हम यदि सम्मान देना शुरू कर दें तो एक दिन हम भी उसके समान बन जाते हैं। जैसे अपन भगवान नहीं है तो अपन भगवान के पास जाते हैं, एक दिन हम भगवान जैसे बन जाएंगे, जिसे हम संगति कहते हैं। जो गुण हमारे पास नहीं है, जिसके पास हैं, हम उनकी संगति करेंगे तो एक दिन वो गुण हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास ज्ञान है उनके साथ हम बैठेंगे उठेंगे चर्चा करेंगे तो एक दिन हमारे ज्ञान का भी क्षयोपशम बढ़ जाता है। जखौरा जैन समाज के बाद तैयार रहेंगे कुमारी वैशाली जैन बरुआ सागर। श्री महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हम लोगों का एक विषय है, उसका समाधान चाहते हैं कि जैसे पूर्व प्रवचन में आपने कहा था कि जो भी कमेटियां हैं वो कुंडली मार के गणेता सांप जैसी बैठी हुई हैं। जखौरा दिगंबर जैन समाज में अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष ये 15 साल से हैं, और अभी समाज ने फिर उन्हें 5 साल के लिए चुना है, तो क्या हम लोग उस गणेता सांप की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? अरे भाई, झांसी की बात तुम लोगों ने क्यों सुन ली? देखो, यदि तुम किसी पद पर बैठे हो और सारी जनता तुम्हें बार बार फोन रही है तो समझ लेना तुम जैसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई हो नहीं। तुम सांप नहीं हो, तुम धर्मेंद्र पद्मावती से नागेंद्र हो। नाग नहीं, नागेंद्र है। क्योंकि जनता जब अच्छे लोग काम करते हैं तो जनता बार बार उन्हीं को चुनती है, तो ये तुम्हारी विशेषता है इसमें नहीं, वो तो उनके लिए है
जो पदों से चिपक जाते हैं, एन के एन पर सोर्स मिला करके, रिश्वत दे करके, अपने वोटरों को लेकर के, सबको लेकर के अपने खुद की हुकूमत रखते हैं, उनके लिए है। बाकी अच्छे लोगों का सम्मान जी, हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं दिगंबर जैन समाज जखोरा के, हमारा मंदिर अपनी समयावधि के अंदर पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दें गुरु जी। आशीर्वाद चले। नमोस्तु भगवान। नमो वैशाली जैन के बाद तैयार रहेंगी मेघा जैन झांसी। नमोस्तु महर्षि इच्छामी श्रीलक्ष्मी। महर्षि मेरी यह जिज्ञासा है कि धर्म और अधर्म क्या है, क्या मानवता का कार्य करने को धर्म कह सकते हैं या फिर धार्मिक क्रियाएं करें उसे ही धर्म कहा जाता है? जो स्वयं को और पर को दुख देवे वही अधर्म है, और क्रियाएं आदि ये धर्म के धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचाने के लिए साधन है, इनके माध्यम से व्यक्ति धर्म तक पहुंचता है। मंदिर आता है तो परिणाम शांत होते हैं, पूजा करता है तो परिणामों में निर्मलता आती है, इसलिए ये साधन है हमारे मन को निर्मल करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है स्वयं और पर को, ऐसा कोई कार्य न करें जो स्वयं को दुखी करे और पर को दुखी करे, सामान्य धर्म तो यही है। नमोस्तु महर्षि। मेघा जैन के बाद तैयार रहेंगे मास्टर भरतेश जैन ललितपुर। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी माँ की जिज्ञासा है कि बालकनी में अनार का पेड़ लगा सकते? बालकनी में भी पेड़ लगते हैं क्या? लगाए महाराज जी, अनार भी आने लगे उसमें तो गमले में कहो, गमले में। हाँ गमले में। हाँ तो गमले अलग, बालकनी में कहाँ लगाओगे? बालकनी में पेड़ का गमला रख सकते हैं कि नहीं? अब इन सब चीज़ों का सामान्य चीज़ें हैं, रखने में कोई बाधा नहीं। फिर भी पेड़ों के संबंध में वास्तु एक अलग अपना बात रखती है, उनके संबंध में दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी दिशा में रखा, कहाँ रखा, इसका सबसे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़े सिद्धांत है, इसलिए वो उनको पढ़ कर के ही विचार किया जा सकता है। सामान्य रूप से रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। मास्टर भरतेश जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जैन रोठियाई गुना। हे महाराष्ट्र जी, मेरे परिवार में दादू की तरफ से बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र जी मेरी आपसे यह जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार छल कपट करने पर पाप लगता है। महाराष्ट्र जी सौ धर्मेंद्र एवं सचिंद्र रानी ने तीर्थंकर बालक को जन्माभिषेक के समय प्रथम दर्शन के लिए लिया था, तो महाराष्ट्र जी उन्हें क्या दोष लगा? जैन धर्म के अनुसार छल कपट का पाप लगता है और महर्षि जी सौ धर्मेंद्र और सचिन रानी ने छल कपट से प्रथम दर्शन के लिए तीर्थंकर बालक को लिया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। छल कपट दो प्रकार का होता है, जैसे तुम्हारे लिए कोई वस्तु नहीं देना है तो मम्मी ने छुपा के रख दी, ये छल कपट नहीं है, ये तुम्हें सुधारने का तरीका है। जैसे माँ ने दूध में पानी मिला दिया तुम्हें बताए बिना, ये छल कपट नहीं। वहाँ इंद्राणी का भाव माता को दुख न पहुँचे इसलिए उसने ये भाव किया, इसलिए वो छल कपट में नहीं आएगा। वो माँ को दुख न पहुँचे इसलिए उसने ऐसा किया है, तो इसलिए वो कसाय में नहीं आएगा। श्री नरेंद्र जैन रुठवाई के बाद तैयार रहेंगी कुमारी मुस्कान जैन नई दिल्ली। पूज निर्यापक समण, पूज मुनि पुंगव श्री सुहासागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में जैन समाज रुठवाई की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आपके पावन पुण्य चरण 2014 में छोटे से कस्बा रुठियाई में पड़े। हे गुरुदेव, आपकी मंगल आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मंदिर का निर्माण कार्य तो पूर्णता की ओर है ही, लेकिन आपने तो
मंदिर निर्माण को तीर्थ क्षेत्र मंगलदेव बना दिया। गुरुदेव आपके पावन पुण्य चरणों से संभव हुआ। हे गुरुदेव, अच्छे क्षेत्र चांदखेड़ी जी से भगवान मुनिसुभ रत्नाथ स्वामी प्रतिष्ठित होकर के रुठियाई में पधारे और अभी 12-13 अप्रैल को वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हुई। हे गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि आपके मंगल आशीर्वाद से हम ऐसा क्या प्रारब्ध करें कि वह तीर्थ क्षेत्र अच्छे क्षेत्र में बदल जाए, सारे समाज और नगर में धर्म की गंगा बहे, प्रभाव न बहे। इस एरिए में तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की इतनी बड़ी पहली प्रतिमा है, उस एरिए के अंदर बहुत शुभ मुद्रा की प्रतिमा है, अतिशय जो है गोल्डन गोल्ड वाली बात है। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे भक्ति श्रद्धा आस्था तुम्हारी बढ़ती जाएगी, प्रतिमा अपने आप में अतिशयकारी होती जाती है। भक्ति और श्रद्धा से आपके कितने परसेंट लोग, कई लोग कहते हैं जो शहरों में मंदिर है इनमें अतिशय हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। उस मूर्ति का कितने परसेंट लोग अभिषेक करते हैं, उस मूर्ति के सामने कितने परसेंट लोग नमोस्तु करते हैं, कितने परसेंट लोग पूजा करते हैं, उस मंदिर में कितने लोग अभिषेक पूजन करने आते हैं, भले उस मूर्ति का ना करें, उतना परसेंट आप लगा लीजिए। आपके गांव में 100% आते हैं तो बहुत जल्दी उस मूर्ति में अतिशय आएगा, 50% आते तो 50% आएगा, 10% आते तो 10% आएगा। आप मंदिर में अभिषेक पूजन बढ़ाइए, नमोस्तु बढ़ाइए, मूर्ति का अतिशय पाइए। नमोस्तु गुरुवर। एक जिज्ञासा और है। रुठियाई के अंदर बहुत अच्छा बिना लोहे युक्त इन्होंने मंदिर बनाया। 10-12 साल पहले जब यहाँ से बिहार हुआ था तब, और मूर्ति भी बहुत सौम प्रतिष्ठित होकर विराजमान हो गई है। गुरुदेव आपकी कृपा है, गुरुदेव नई कार्यकारिणी बनी है, आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वह मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण कर सके। के लिए यही आशीर्वाद है, शपथ है कि मंदिर को जल्दी से जल्दी पूर्ण करो और पूर्ण करके पूरी समाज 100% लोग, 8% 80% हर व्यक्ति के हाथ में प्रातःकाल रुठियाई की पूरी समाज का सुबह अभिषेक का लोटा हाथ में होना चाहिए। मुस्कान जैन के बाद तैयार रहेंगे संजय जैन कर्नल, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और इच्छामि चुल्लक जी। हमारा सवाल यह है कि दाम्पत्य जीवन में जो पति अपनी पत्नियों को मारते हैं और हिंसा करते हैं, और जैसा कि दिल्ली में तो अभी एक केस भी हुआ था, मेरे बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में ही उनको काट कर फेंक दिया था टुकड़ों में, तो ये किस प्रकार का है, मतलब कि काट के फेंक देना, क्या ये सही है दाम्पत्य जीवन? कर्म का कोई उदय नहीं है, नादानी है, मूर्खता है। जीव एक दूसरे के जीव सुख के लिए है, दुख के लिए नहीं। कोई भी संबंध होता है, यदि वो संबंध दुख का कारण बनता है तो अभिशाप है। और तो जो तुम्हारी गृहस्थी के जीवन में विवाह आदि हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी हैं, एक दूसरे को दुख देने के लिए नहीं। ऐसे लोग जो इस प्रकार के अत्याचार करते हैं, वे 100-100 भवों तक नपुंसक होते हैं, हिजड़ा होते हैं, दुर्गति में जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में दोनों यदि एक दूसरे को दुख दे रहे हो, एक दूसरे को दुख का रूप बन गए हैं, तो महानुभाव बहुत खतरनाक अभिशाप दोनों के अभिशाप एक दूसरे को हैं। यदि पत्नी पति से दुखी है तो सावधान, सावधान, और पति पत्नी से दुखी है तो आप भी सावधान, दोनों को वो पर्याय मिलेगी ताली बजाने वाली। हाँ, क्योंकि दोनों या तो संबंध बनाओ मत, बनाओ तो एक दूसरे के प्रति पूरक रहो, सुख के कारण करो। ऐसे क्या द्वेष बन जाता है
कि एक दूसरे को तुम मार डालते हो, एक दूसरे का जीवन छीन लेते हो। किसी का जीवन छीनने का हमें अधिकार नहीं है। कोई भी हो, कोई भी संबंध हो, माँ बाप बेटे को जन्म दे सकते हैं, बेटा छीन उसके जिंदगी छीनने का अधिकार नहीं होता है। जिनाले कार्याध्यक्ष नीले जैन के बाद तैयार रहेंगे। शांतोदय क्षेत्र जहाजपुर कमेटी के अध्यक्ष अरविंद जैन उनके साथ रहेंगे। धन्य कुमार जैन, अनुपम जैन अनोरा, संतोष जैन एडवोकेट। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज आपने प्रवचन में कहा था कि सम्मोहन और श्रद्धा पर आपने प्रवचन दिए थे कि सम्मोहन और श्रद्धा। महाराज जी, मैं अपने आप में अगर कहूँ तो मैं आपसे सम्मोहित हूँ, क्षमा करेंगे महाराज जी, क्योंकि श्रद्धा और आपने सम्मोहन को बहुत अच्छी व्याख्या दी थी कि जहाँ श्रद्धा है वो दिल से है और सम्मोहन आप देते हो, इसलिए मैं सम्मोहन से मैं आपसे प्रभावित हूँ और श्रद्धा मेरे अंतर मन की बात है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं आपसे सम्मोहित हूँ, तो श्रद्धा पहले आती है महाराज जी कि सम्मोहन पहले होगा? सम्मोहन तो जब माना जाए, जब मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें सम्मोहित किया है, तुम सम्मोहित हुए हो, उसी का नाम तो श्रद्धा है, उसी का नाम श्रद्धा है। मैंने ये परिभाषा बनाई थी, जब कोई व्यक्ति किसी को सम्मोहित करता है तो वह सम्मोहन कहलाता है, और जब किसी से व्यक्ति सम्मोहित होता है तब श्रद्धा कहलाती है। दोनों का एक ही लक्षण है। सम्मोहन वाला व्यक्ति भी जो सामने वाला कहेगा वही मानेगा, श्रद्धा वाला व्यक्ति भी वही कहेगा वो मानेगा। हम भगवान से श्रद्धालु हैं, हम साथ से श्रद्धालु हैं। अब ये जो कहता है हम वही मानते हैं, भगवान ने जो कहा मैं वही करता हूँ। शिष्य गुरु से श्रद्धान्वित होता है, गुरु जो कहते हैं शिष्य मानता है, क्योंकि वो सम्मोहित हुआ है। इसलिए आपका सम्मोहन सम्मोहन की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें सम्मोहित नहीं किया, तुम खुद हमसे सम्मोहित हुए हो, तो ये सम्मोहन नहीं है, ये विश्वास है, श्रद्धा है, इसी से जीवन का कल्याण है। जब कोई वस्तु हमें आकर्षण कर रही है तो इसका अर्थ उसमें कोई गुण है, और जब कोई हमें आकर्षित कर रहा है समझ लेना वो हमारा शोषण कर रहा है। ग्राहक दुकान पे जा रहा है और ग्राहक को दुकानदार बुला रहा है, कितना अंतर है? ग्राहक को दुकान पे जा रहा नहीं, मैं तो उसी दुकान से खरीदूंगा, और एक दुकानदार कह रहा बुला रहा है आओ देखें, तो बुलाने वाला ठगिया हो सकता है, जाने वाला व्यक्ति अच्छा है तभी तो तुम जा रहे हो। इसलिए आपकी श्रद्धा और विश्वास, इसका नाम दे सकते हो सम्मोहन नहीं। नमोस्तु। जहाजपुर कमेटी के पश्चात तैयार रहेंगे श्री विवेक जैन रानीपुर। मेरे आद्य गुरुवर के चरणों में शांत उदास चेत कमेटी की तरफ से, मेरे अमीर परिवार की तरफ से कोटसा नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। महाराज जी, शांत उदास चेत का नाम जब से आपके मुखारबिंदु से रखा गया तभी से हमारा क्षेत्र दिन रात दूनी चौगना विकास कर रहा है। गुरुवर, हमारे सभी क्षेत्रों के लिए ललितपुर में जितने भी क्षेत्र आसपास क्षेत्र हैं, देवोदय, शांत सतोदय, सभी क्षेत्रों को महामहिम प्राप्त मिल हो चुके थे, लेकिन हमारे शांतोदय के लिए महामहिम नहीं मिल रहे थे। तो आप जिज्ञास समाधान में आपके मुखारबिंदु से निकला था कि महामहिम तो पैदा हो गए हैं लेकिन आप लोग तलाश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके चरण शांतोदय क्षेत्र पर पड़े और आपकी आहारचर्या वगैरह का सौभाग्य हम मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हुआ, जैसे ही महामहिम स्वयं स्वतः गाजियाबाद से चलकर डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन CMO रिटायर्ड CMO वहीं प्राप्त हो गए और श्री महाराज जी का उनको आशीर्वाद मिला। महाराज जी, चूँकि मंदिर जो है हमारे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जो 21 फुट उतंग प्रतिमा जी हैं और बहुत असहकारी हैं, अगर देवगढ़ जी में भी कोई कार्य होता है तो शांतोदय में जाकर श्रीफल एवं झंडारोहण किया जाता है। महाराज जी, आप जिस समय आपके चरण शांतोदय पड़े तो आपके मुखारबिंदु से निकल गया था कि चिंता नहीं करो बाबू,
यहाँ पर जहाज जैसा है मंदिर, जहाज के आकार का बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन महाराज जी आपको वचन सिद्धि है, जब आपके मुख से निकल ही गया है तो ये निश्चित है कि चांदपुर जहाज पर में भव्य मंदिर जहाज जैसा बनेगा। महाराज जी चूंकि वहाँ पर हम लोग कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं पुरातत्व की वजह से, तो कमेटी ने रेलवे लाइन से 300 फुट दूर 8 एकड़ जमीन खरीद ली है और पीछे नदी भी है और चेक डैम भी है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा विशाल मंदिर जहाज जैसा बन सकता है। तो महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या हमारे शांत क्षेत्र अक्षय क्षेत्र चांदपुर जहाज के लिए मंदिर के निर्माण हेतु पुनः जब पैदा हो गए या नहीं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो जिन जिन क्षेत्रों के नामकरण किए हैं वे सभी क्षेत्र दिन दूने रात चौगने बढ़े। दूसरी बात है शांतोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा उजड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ को जीवित रखना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी प्रयास इतना अच्छा तुम लोगों ने इतने सालों से किया कि आज उसको एक नया नाम मिला, नई पहचान मिली। और आप कहते हैं कि मैंने कहा कि महाराज जी जो कह देते वो हो जाता है, ये अतिशय नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था, सब लोग कहते हैं महाराज जी जो कहते हैं वह हो जाता है, तो ये मेरा अतिशय नहीं है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारी सभ्यता है, ये तुम्हारी नैतिकता है। सत्य ये है हमारे मुंह से जो निकलता है भक्त से पूरा कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी गजब चीज है गजब, आप 1.5 घंटे प्रवचन दे देते हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारा गलत नंबर है, तुम्हारा मैं 1.5 घंटे प्रवचन देता हूँ ये कोई अतिशय नहीं है, 1.5 घंटे ये बंदर सुन लेते हैं ये सबसे बड़ा अतिशय है। धर्म की बात 1.5 घंटे सुन ले मैं ये अतिशय है, ऐसी बात है मेरे मुँह से निकले लेकिन भक्त उसे पूरा कर देते हैं, करते हैं। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र जहाजपुर का भी बहुत अच्छा कार्य हो मेरा आशीर्वाद है, करना आप लोगों को हो, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए गिरी हुई चीज़ को उठाना बहुत मेहनत का काम होता है, परिश्रम का काम होता है। डूबती नैया में कोई नहीं बैठता और तैरती नाव में दुनिया बैठती है। अभी तक वो डूबती नाव थी इसलिए कोई नहीं बैठ रहा था, अब वो तैरती वाली नाव बन रही है तो जरूर कोई ना कोई आकर के बैठेगा। और भावना रखो कोई ना कोई, और हम तो कहते हैं अपन तो दुनिया से कहीं से, क्योंकि नल के पानी का मेरा त्याग है, अपन कुएं का पानी लेते हैं और कुएं के पानी में ही, और कुआ जहाँ रहते हैं वहीं खुदता है, क्यों चिंता कर रहे हो। ललितपुर एरिया कोई कमजोर एरिया नहीं है, एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो खुद कहेगा कि जहाजपुर में मंदिर मैं बनाऊंगा। जय हो जय हो जय हो। ललितपुर अभी खाली नहीं हो गया, चिंता मत करना, और कभी खाली जितना दान देते कभी खाली होता ही नहीं है। तो ललितपुर का तो शौक बड़ा है, ललितपुर वालों का तो टेस्ट बड़ा है, और प्रयास करो, हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति कहे शांतोदय जहाजपुर में जो जिनालय बनेगा वो कोई एक ही व्यक्ति बना दे, एक नहीं बनाएगा, 2-4 मिलके बनाएंगे। जब तुमने जमीन ले ली है और नामकरण मेरे से करा दिया है तो अब वो तो क्षेत्र तो बन के रहेगा। जय हो जय हो जय हो। उसके बाद तो अब कोई रोक नहीं सकता। अब 2 चीजें हो गई, नामकरण हो गया और दूसरा जमीन भी तुमने ले ली, तो अब तो कुछ ना कुछ हो गई, थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रयास करते रहो सफलता मिलेगी। जय हो जय। महाराजी एक महाराजी आपने 7 दिन के 7 मंडल बनाए थे, उसी दिन आज जिस दूसरे दिन से 7 दिन के 7 मंडल प्रतिदिन जा रहे हैं और पूजन अभिषेक और शांत धारा कर रहे हैं। ये जीवित रखो, सबसे बड़ी उपलब्धि है
मंदिरों के तीर्थ क्षेत्रों के अभिषेक नौकर भोगियों से मत कराओ। जिनेंद्र भगवान के ऊपर कलशा नौकर भोगी नहीं डाले, भक्त के हाथ से कलश डालना चाहिए, फिर धवती से देखो। आज तुम भगवान के अभिषेक के लिए नौकर लगा देते हो, क्यों लगाते हो नौकर? मैं कहता हूं कि यदि भगवान के अभिषेक के लिए आपको टाइम नहीं है तो नौकरों से अभिषेक मत कराओ। अभिषेक नहीं हो तो कोई बाधा नहीं है, किसी मूर्ति का अभिषेक नहीं होता है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन पुजारी नौकर पेशा लगा करके मूर्तियों का अभिषेक कराना ये बिल्कुल अनुचित है। भगवान, क्योंकि भगवान को अभिषेक की जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो अपन भक्तों को है। तो आसपास के जितने लोग हैं, मैंने राजस्थान में यहाँ हर तीर्थ पे एक ही आवाज़ उठाई कि भगवान के मूल नायक भगवान का अभिषेक वेतन भोगी नहीं करेगा, और जिन जिन क्षेत्रों पर भक्त कर रहे हैं वे क्षेत्र दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं। देवगढ़, देवोदय, शतोदय और शांतोदय में भी बहुत अच्छा है। सातों दिन के जो सातों मंडल जा रहे हैं अभिषेक के लिए, बस इनको जीवित रखना, यही इनका जीवन तुम्हारे क्षेत्र को अतिशयता प्रदान करेगा। नमोस्तु माजी, नमोस्तु, नमोस्तु। श्री विवेक जैन रानीपुर के बाद तैयार रहेंगे माननीय श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन लोग किताब पढ़ते हैं जैन धर्म की, कोई भी किताब पढ़ते हैं या फिर जाप देते हैं, तो ये सब चटाई पे बैठ के करना चाहिए, गद्दे पे, या फिर जमीन पे बैठ के ही ठीक रहता है? जैसा मिल जाए वैसा कर लेना चाहिए, कोई इसमें ज्यादा उलझन नहीं। उसमें कहीं ऐसा तो नहीं जमीन पे बैठेंगे तो अपन कुछ पुण्य नहीं मिलेगा, या फिर चटाई बैठेंगे तो चंदा पुण्य? तो कपड़ा तो वैसे ही पहने हो तो कपड़ा तो पक्का है कि नहीं? कपड़ा तो है ही, बस तो कपड़ा तो पहने हो तो कपड़े तो कपड़े पे बैठ रहा, चटाई तो बाद में आती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कैसे भी कर। ठीक। माननीय श्री प्रदीप जैन आदित्य के बाद तैयार रहेंगे श्री सीलचंद जैन जी अनोरा वाले ललितपुर दाऊ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों की ऐसी कृपा है कि हम लोग झांसी में जब हम सांसद बने थे उस समय से एयरपोर्ट के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आपके चरणों का ऐसा चमत्कार है कि आपने एक चातुर्मास ललितपुर में किया और वहाँ तीर्थ निर्मित किया, तो झांसी बड़ी जगह होते हुए भी आज ललितपुर में एयरपोर्ट बनने जा रहा, और झांसी वालों की भावना है कि आपका एक चातुर्मास झांसी में हो जाए तो झांसी भी विकसित हो जाएगा, बुंदेलखंड की हृदय स्थली है। तो ये हमारी जिज्ञासा है कि आपके श्री चरणों की कृपा झांसी में चातुर्मास के रूप में हो, ताकि बुंदेलखंड का ये पिछड़ा क्षेत्र भी ललितपुर से विकास की दौड़ में बराबर से दौड़े। किसी व्यक्ति को कलेक्टर बनने के बाद देख के हर व्यक्ति का मन होता है कि मैं भी बनूं, लेकिन ये नहीं देखते वो कलेक्टर बनने के पीछे उसकी कितनी बड़ी साधना है, कितना बड़ा। सब लोगों को ललितपुर दिख रहा है, ललितपुर जैसा, ललितपुर सब करने लगे, लेकिन ललितपुर वालों जैसा समर्पण पहले करना सीखो तो हर चीज संभव। ललितपुर वाला जैसा समर्पण, मैं यहाँ नहीं रहा फिर भी यदि मैं राजस्थान में भी था, वहाँ से यदि उंगली उठा दी कि आज ये काम नहीं होगा तो दो मिनट के अंदर वो काम बंद हो जाता। हम कितने दूर रहे, इनको कोई काम करना चाहा तो ये वहाँ तक भी पूछने गए कि बिना पूछे मैं कील भी नहीं लगाऊंगा। समर्पण देखो पूरा का पूरा, आपने तो देखा होगा पहले उसको क्षेत्रपाल कहते थे ना, क्या स्थिति थी, कितने मंदिर थे, सारे मंदिर इनके सामने टूटते गए और सब प्रसाद बांटते गए, खुशियां मनाते गए। व्यक्ति ऑपरेशन कर रहा हो पूरे पेड़ का और तुम सामने खड़े हो, साहस की बात है, हिम्मत की बात है। तो ललितपुर वाले जिस दिन, ललितपुर वालों जैसा तुम्हारा जिस दिन समर्पण हो जाएगा उस दिन झांसी में भी कमी नहीं रह पाएगी। अभी माल पर तो नियत खराब हो रही है और चाय भी रहे हैं,
लेकिन अभी वो समर्पण नहीं है, वो समर्पण की भाषा नहीं है, अभी वो सब एकजुट। और एक व्यक्ति के समर्पण से कुछ नहीं होता, पूरी समाज। जिस दिन ललितपुर का निर्णय हुआ था 10,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे समर्पण पर, 10,000 लोगों ने, पूरे समर्पण की भाषा थी। और वो समर्पण जहाँ हो जाता है, साधु कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। भक्त का समर्पण साधु से करवा लेता है। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मेरी रुचि नहीं, मुझे क्या लेना देना है, तीर्थ बने तो नहीं बने तो। लेकिन भक्त में वो ताकत होती है कि वो साधु से करवा लेता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। श्री सीलचंद दाऊ के बाद तैयार रहेंगे ललितपुर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री अनिल जैन अंचल। चलिए दाऊ के नेतृत्व में ही करेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे मेरे जगतपुर निर्यापक मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती गुरुवर को नमोस्तु 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 इच्छामि। गुरुवर, किसी ने लिखा है कि मांगो तो उसी से, मांगो तो उसी से जो दे दे खुशी से, अपनी बात कहो तो उसी से जो कहे ना किसी से। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ लोग इतने स्वच्छंद हो चुके हैं कि वो दूसरे की बुराई करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते, जैसा बोलना चाहे वैसा बोलते हैं, जिस बात का कोई सिर पैर भी ना हो। हे गुरुवर, इनका भविष्य क्या है और इनके लिए कैसे रोका जाए, गुरुवर समाधान करें। इनका भविष्य है जो रावण का और कंस का हुआ वही इनका होगा, क्योंकि आज व्यक्ति इतना आलोचक हो गया, ग्रस्त भाई भाई के प्रति बुराई कर रहा है, आज इतना हो गया साधु साधु की बुराई कर रहा है, अब तो इतना हो गया घर घर में बाप बेटे की भी, इतना हो गया कि एक संग में भी साधु साधु की बुराई कर रहा है, इतना हो गया कि आज प्रजा राजा की और राजा प्रजा की बुराई कर रही है। तो ये सब विनाश के समय होते हैं, ये सब मिटने के समय होते हैं। धीरे धीरे समाज घर संग सब टूट टूट करके मिट जाते हैं। और कभी भी हो, जब भी कोई व्यक्ति की विनाश होता है, कोई अपना ही व्यक्ति फूट डालता है, अपना ही व्यक्ति खोटा होता है। कुल्हाड़ी कभी भी पेड़ को नहीं काट सकती। एक बार एक कुल्हाड़िया उतरी तो सब जंगल के पेड़ कांपने लगे, तो वृद्ध पेड़ कहता है क्यों कांप रहा, अरे बुढ़े देख ये कुल्हाड़ियाँ उतर रही हैं। तो बुढ़ा कहता है चिंता मत करो, जब तक अपनी जाति का कोई बैंट इस कुल्हाड़ी का साथ नहीं देगा तो ये कुल्हाड़ी कुछ भी नहीं कर पाए, और 2 फुट के कुल्हाड़ी का बैंट मिल जाएगा जात का, फिर कुल्हाड़ी धनाधन। तो यही सब जगह होता है कि अपने अपनों के जब दुश्मन बन जाते हैं, समझ लेना चाहिए उनके विनाश का समय, टूटने का समय, बिखरने का समय आ गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेज लोगों की नीति थी, फूट करो और फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी। ये अंग्रेजों की गलती नहीं थी, गलती अपनी थी कि उनके फूट डालने से हम फूट जाते थे, उनकी गलती नहीं, अपनी गलती थी। यदि अपना संगठन अभेद हो, अपना परिवार अभेद हो, अपनी समाज अभेद हो, अपना संघ अभेद हो, अपना राज्य अभेद हो, फिर किसी का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता, तो दुर्गति है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, जब तक ललितपुर वालों पर आपकी कृपा है तब तक हम लोग अभेद हैं, हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। और हम सब आज फिर पूरे जैन समाज और मैं देवोदय अक्षय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ का
अध्यक्ष होने के नाते पूरी कमेटी के साथ आपके श्री चरणों में, आपने ललितपुर में बहुत दिया और आपने जो देवोदय से क्षेत्र देवगढ़ जी के लिए जो आपने दिया है, आज पूरे विश्व में वो अतिशय क्षेत्र अपनी चरम ऊंचाइयां पाएगा, लेकिन एक चातुर्मास आपका मिल जाएगा तो। इसलिए हम सब लोग आपके चरणों में, पूरी देवगढ़ कमेटी, हमारी चांदपुर जहाजपुर कमेटी और ललितपुर वाली पूरी समाज आपके चरणों में, अतिशय क्षेत्र देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए आपका पावन वर्षा योग जो निकटस्थ है, उसकी कृपा आपकी बरस जाए, ऐसी भावना लेकर के आए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब तैयार रहेंगे श्री कमल जैन छतरपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे पौरस जैन देवेंद्र नगर। आगे आ जाएं आप पौरस जैन देवेंद्र नगर। मुनिश्री जी के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। महाराज श्री, मैं पन्ना देवेंद्र नगर से आया हूँ। मेरी ये जिज्ञासा थी कि मैं देवेंद्र नगर में एक हिम मंदिर की स्थापना होने जा रही है, जिसकी बोली मेरे द्वारा ली गई है। तो हिम मंदिर में 2400 तीर्थंकरों का विराजमान होना है, तो इसमें इसके महत्व के बारे में मैं जानना चाहता था, क्योंकि एक बार हिम का निर्माण हुआ था, जो हिम राजस्थान से बन के आया था, वो मार्बल का बन के आया था, तो वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब समाज चाह रही है कि वो पीतल का बन के आए, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, जानना चाहता। हिरिम इस संबंध में मेरा कोई नॉलेज नहीं, आगम में कोई ऐसी चर्चा नहीं है, शास्त्रों में कहा नहीं है, इसलिए हम इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकूंगा। क्योंकि किसी ना किसी की प्रेरणा से आप बना रहे होंगे, इसलिए हम उसमें नहीं बोलेंगे। आगम में मैंने हिरिम मंदिर नहीं पढ़ा, ना मैंने सुना है शास्त्रों में, ना देखा है, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। इसके बाद तैयार रहेंगी मीनू जैन पृथ्वीपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी गुंजन जैन गुदरी। नमोस्तु गुरुवर। पंचम काल में विदेश क्षेत्र जाते हैं क्या? जा सकते, कोई बात नहीं। मीनू जैन पृथ्वीपुर। जगत पूज मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि, इच्छामि। मैं महाराज श्री द्वादश वर्ष कोर्स की छठवें वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे यहाँ पृथ्वीपुर में आपने जो पूजन शिविर लगाया, उसमें अधिकतर लोग पूजन करने लगे। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे थे पर नहीं कर पाए, अब उस प्रयास में सफलता मिल गई, हम इतने खुश हैं। इसमें किसके पुण्य का कारण है? नमोस्तु गुरुदेव। पृथ्वीपुर के मंदिर में, हाँ महाराज, आखिरी जिज्ञासु के तौर पर है, अच्छा है, इसीलिए सिखाया था कि सब लोग पूजन करें। मंदिर बनाए जिसके लिए है, वो काम वहाँ मंदिर में होना ही चाहिए। अभी से पूजन के लिए मंदिर बनाते हैं और वो ही लोग नहीं करते हैं, तो बनाने से क्या मतलब है? बहुत अच्छा, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुंजन जैन दिल्ली तैयार हो जाए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जिस तरीके से जब तीर्थंकर की अरिहंत भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है, उसमें बीजाक्षर दिए जाते हैं, तो सिद्ध भगवान की भी कभी जो स्थापित होता है आकृति, तो उसको भी बीजाक्षर दिए जाते हैं क्या? नहीं, जो खाली स्थान वाली पीतल की मूर्तियां होती हैं, वो मूर्ति है ही नहीं, विराजमान नहीं करना चाहिए। अरहंत सिद्ध भगवान की मूर्ति भी अरहंत भगवान जैसी ही होती है, बस उसमें अष्टप्रातिहारे नख और केश नहीं बनाए जाते हैं, बाकी श्री वत्सचिन्ह तो, पर बाकी सब ऐसे होते। ये खाली स्थान वाली मूर्तियाँ ठीक नहीं हैं, आजकल मंदिरों में रखी जाने लगी, ठीक नहीं।
तो इनका फिर अभिषेक वगैरह भी नहीं, जैसे हमारे मंदिर में है ही नहीं, जो हाँ मूर्ति वो तो खाली स्थान है, अभिषेक किसका करोगे? नमो सुवारा जी। आखिरी जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगी डिंपल जैन पठारी, और उसके बाद श्रीमान डिंपल जैन पठारी, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे जो झांसी में नन्नू मल ट्रस्ट है उसके सभी किराएदार बंधु, यहाँ पर परम पूज गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करना चाहते हैं, वो सब लोग उसके बाद आ जाएं, और नीचे से गुरुदेव के पावन चरणों विश्व विख्यात गुरुवर के चरणों में अनंतों वार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हमारी जिज्ञासा है, जैसे हम कहीं एक दो दिन के लिए जाते हैं तो बढ़िया खाना अटैची कपड़े वगैरह सब साथ ले जाते हैं, पूरी व्यवस्था करके जाते हैं कि दूसरे स्थान पर हमें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हमारा जब मरण होगा उसके बाद हमें कहाँ जाना होगा और कितनी परेशानियाँ होंगी गुरुवर, उसकी हम क्या तैयारी करें? उसकी तैयारी के लिए हम लोग प्रतिदिन उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ये जो मंदिर में आप पूजन पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जो पुण्य तुम्हारा है, जो तुम्हारे सत्कर्म हैं, ये सब तुम्हारे लिए पूरे दिन भर में जो 24 घंटे धर्म ध्यान किया जाता है, ये मरने के साथ ले जाने की तैयारी है। माला फिर रहे तो तैयारी है, पूजा कर रहे तो तैयारी, अभी से जितने सत्कार्य कर रहे हो ये सब ले जाने के लिए ही तो तैयारी होती है, तो ये उसी के लिए किए जाते हैं, इसलिए निरंतर धर्म कार्य करते रहो, यही साथ जाएगा। और आज देखो नन्नूमल ट्रस्ट जब मूल ठीक हो जाता है तो गवाह भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। आज देखो महंत बाबू संजय बरुआ सर वाले मिलकर के एक हुए, किराएदारों के संबंध में हमें बहुत अच्छे लोग नहीं बोलते थे, लोग कहते नन्नूमल ट्रस्ट की जो दुकानें हैं उन पर किराएदार बिल्कुल ऐसे गणेता सांप बन के बैठ गए हैं, और वे खाली नहीं करते, किराया नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, और मैंने कही बड़े बेकार आदमी है। तो लेकिन आज जब ये दुकानदार लोग मेरे सामने आए तो मैंने आज तक इतने अच्छे दुकानदार कहीं नहीं देखे जितने यहाँ के। हालांकि ललितपुर के भी दुकानदारों को जब मैंने आह्वान किया था, सारे दुकानदार पराया पराया चाबियाँ लेके आए थे, एक प्रस्तुतिकरण हुआ था ललितपुर में, मेन मार्केट की दुकानों को जब मैंने आह्वान किया सब ने लाके चाबियाँ रख दी, महाराज जो कहेंगे वो करेंगे किया। और आज नन्नूमल ट्रस्ट के सारे जैन अजैन दुकानदार सब आए, बोले मेरी मैंने खूब पूछा भाई आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों की मांग क्या है? इन्होंने कहा मेरी कोई मांग नहीं है, गुरु का आदेश ही हमारी मांग है। मैंने खूब पूछा, मैंने कही नहीं भाई तुम बताओ अपनी इच्छा क्या है, कुछ है कुछ बोलो तुम्हारे, बोले कोई शर्त नहीं है, हमें तो महाराज जी की जो भावना है, महाराज जी का जो आशीर्वाद है उसके लिए हम सब तैयार हैं, जो भी आप आदेश दोगे जो भी निर्देश दोगे हम सारे दुकानदार मानने को तैयार हैं। बोलो कितना अच्छा माहौल हुआ, 20 साल हो गए, 20 साल से इतना बड़ा वैमनस्य पड़ा रहा, दुकानदार बेचारे दुकानदार परेशान, मालिक सब परेशान थे एक दूसरे से, और आज सब एक दूसरे से मिलकर उन्होंने कहा आप तो आशीर्वाद दो, हमें जो आदेश करोगे, हमें किराया कहाँ जमा कराना वहाँ कराएंगे, कितना कराना वो कराएंगे। मैंने कहा भाई आप लोगों को, बोले कोई मांग नहीं, गुरु के सामने मांग कर लिया तो क्या लिया, गुरु जो देंगे वो प्रसाद होगा। ये मैं सोच ही रहा था कि ये मांग ले में तो हम सस्ते में निपट जाएंगे सर, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने कहा महाराज जो देंगे वो लूँगा। सारे लोग आए देखो, सभी लोग बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ये समर्पण ही तुम्हें इतना फला फूला करोगे, महंत बाबू साथ में है, बहुत बढ़िया समर्पण किया, मेरा आशीर्वाद। अब आगे जो निर्देश देंगे उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, श्री विवेक नायक, रमेश चंद्र अग्रवाल, विक्की शर्मा, मनोज अग्रवाल, साहिल सपरवाल, मुदित साहू और पंकज जैन, सारे लोग परम पूज गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए अपनी मंगल भावना भा रहे हैं कि जो हे गुरुदेव जो आपकी आज्ञा होगी वो पूर्णतः हमें सुरोधार होगी। बताइए हाथ उठा के सब हैं,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव। जब आप अब एक नन्नूमल नकली एक एक ट्रस्ट और बनाया है यहाँ खोजने पे निकल रहा है, एक नकली नन्नूमल कोई ट्रस्ट बन गया है, उनसे भी कह दो कि वो भी जल्दी जल्दी समर्पित हो जाए, अन्यथा अब किराएदार भी और कमेटी भी एक हो गई हैं, कहीं 420 का केस ना लगाना पड़े, क्योंकि अब फूट का फायदा उठा लिया उन्होंने, अब सब फूट खत्म हो गई, अब किराएदार महेंद्र बाबू संजय बाबू सब लोग मिलकर और पूरी झांसी, अब तो ये ट्रस्ट अकेला चार लोगों का नहीं रहा, ये ट्रस्ट तो सारे भारत का हो गया, झांसी के भी कम से कम 40-50 से ऊपर ट्रस्टी पहुंच गए, 70 ट्रस्टी बन गए बरुआ सागर से, इतने सारे ट्रस्ट लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो वो नकली वाला जो ट्रस्ट है वो भी जल्दी कर लो, क्यों 420 के केस में जाना चाहते हो, अच्छी तरह समर्पित हो जाए, जैनी बंधु हैं, नियत खराब है, नियत अच्छी कर ले तो अच्छा है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जैन समाज आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती है, आप परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सदैव शरण में रहें ऐसी हमारी मंगल कामनाएं आपके लिए। गुरुदेव आप अभी जब आप हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य जी अब चातुर्मास के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे पीछे तत्व मनीषी श्री राजन जैन प्रेस वाले बैठे हुए थे तो हमसे बोले कि आखिरी में तुम्हें ये जरूर कहना है कि गुरुदेव हम लोग भले ही नए हैं लेकिन हम इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि जो काम ललितपुर वालों ने किया है वो निश्चित तौर से हम लोग भी करेंगे। गुरुदेव गुरुदेव एक और बस दो मिनट लूंगा, आज पहली बार 20 दिन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे तो बोस्टन में उनका एक व्याख्यान रखा गया तो हजारों लोग बर्नार्ड शॉ के सुनने के लिए एकत्रित हुए तो बर्नार्ड शॉ ने उस दिन अपना आगमन निरस्त कर दिया, फिर घोषणा हुई कि बर्नार्ड शॉ पुनः व्याख्यान देंगे, उसके बाद भी उन्होंने निरस्त कर दिया, निरस्त करते करते 5-6 दिन बाद 5-6 बार जब संख्या बहुत न्यूनतम बची तो बर्नार्ड शॉ वहां पर अपना व्याख्यान देने आए तो पत्रकारों ने बर्नार्ड शॉ से पूछा कि बर्नार्ड शॉ साहब जब यहाँ पर लाखों की भीड़ थी तब आप नहीं आए, जब यहाँ सैकड़ों बचे तो आप यहाँ व्याख्यान देने क्यों आए, तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि लाखों मुझे सुनने आए थे लेकिन जो सैकड़ों बैठे हैं वो मुझे मानने वाले और मेरे समर्पित फॉलोअर हैं, तो गुरुदेव यहाँ की संख्या बड़ी कम हो सकती लेकिन यहाँ के लोग निश्चित तौर से 1 आदमी 10 आदमी के बराबर समर्पित हो सकता है, ऐसा मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के शाम आरती के पुण्यार्चक परिवार को चयनित करने की कृपा करें। श्री अनिल जैन जी अंचल बोलेंगे, ठीक है भैया जी। जब लोग चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब लोग परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के, चलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के, चलो परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के, आज मैं जब से जिज्ञासा समाधान चल रहा है एक माहौल देख रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, चूंकि ललितपुर वाले खड़े हुए तो महाराज जी ने ललितपुर वालों की तारीफ कर दी, लेकिन आज जब झांसी वालों ने अपना समर्पण दिखाया तो झांसी वालों की जो तारीफ महाराज जी ने की है, हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर एक बीजारोपण हो चुका है, एक बीजारोपण हो चुका है। एक दिन जब ललितपुर में हुआ था तब एक इतना बड़ा क्षेत्र विरंगरोदय देखने में आया है, आज यह समर्पण झांसी वालों ने दिखाया है, हो सकता है बीज इतना बड़ा वृक्ष बन के सामने आए कि यहाँ भी जैसा अभिनंदनोदय बना है ऐसा विशाल क्षेत्र झांसी गरुआ जी भी बन जाए, इस मंगलमय भावना के साथ में अरे आए सुधा सागर जी की आरती करने आए, आए हम सुधा सागर जी का वंदन करने आए, अरे झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई है आई यहाँ खुशियाँ निराली, झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आ
आई है आई यहाँ खुशियाँ निराले, आए हम सुधा सागर जी का अर्चन करने आए, अरे आए हम सुधा सागर जी का वंदन करने आए। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आज के प्रथम थाल से मंगल आरती करने का सौभाग्य, यहाँ मैं देख रहा हूँ माहौल, जब से महाराज जी यहाँ आए हैं यहाँ पर हर नगर के लोग आ रहे हैं, हर नगर के लोग आते हैं, सब सामूहिक रूप से आते हैं, श्रीफल भेंट करते हैं और अपनी विनय करते हैं कि महाराज जी का चतुर्मास हमारे नगर पर हो जाए, हमारे क्षेत्र पर हो जाए। अभी ललितपुर वाले भी आए हैं, वह देवोदय तीर्थ की ओर से देवगढ़ से आए हैं कि इस बार ललितपुर में पिछली बार हो गया, इस बार देवगढ़ में हो जाए, लेकिन महाराज जी भी सबकी भावनाएं देख रहे हैं। यहाँ जो भी यहाँ क्रम में जुड़ता है कि भावनाएं किसकी कैसी है, महाराज जी अपने आप समझ जाते हैं। चलेगा आज के प्रथम थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए। जोर-जोर तालियों के साथ में जिनकी भावना बन रही है उनकी भावना और भी उत्कृष्ट हो, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, दो 21,221 रुपए, क्योंकि अपना समर्पण दिखाने की इससे बड़ी और कहीं जगह नहीं है। यह अपना समर्पण अपने आप ही सामने आ जाता है कि कौन कितना श्रद्धावान है, वह यहाँ पर अपने दान की राशि किसके लिए, हमें नहीं, महाराज जी को नहीं, कमेटी को नहीं, क्षेत्र के लिए समर्पित करता है। किसके लिए समर्पित करता है, क्षेत्र के लिए समर्पित करता है। आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, दो और 21,221 रुपए। और कोई महानुभाव पुरुष वर्ग से महिला वर्ग से किसी की भावना है तो शीघ्रता से अपनी स्वीकृति हमारे पास तक भेजेंगे। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, दो और 21,221 रुपए, एक दो तीन, और यह सौभाग्य अर्जित किया है आज का सर्व पुण्यशाली परिवार जिन्होंने की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पड़ग्रहण कर आज आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित किया है। श्रीमती शशि त्रिवाजी, माताजी चक्रेश कुमार जी, श्रीमती अनीता डीके देवेश, श्रीमती रूपम निश्चल, श्रीमती दिव्या रम्या पुण्या डीडी कलेक्शन परिवार कैलाश रेजिडेंसी झांसी। जोरदार तालियों से हम इनके लिए आमंत्रित करते हैं, अग्रिम पंक्ति में आएंगे और आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया। इसी क्रम में आज वह कौन सौभाग्यशाली होंगे जो कि द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, दो 11,111 रुपए। जो बड़े वो पावे आज की द्वितीय मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 11,111 रुपए। चिंता नहीं करो, यहाँ झांसी वाले भी अच्छे हैं, ललितपुर वाले भी अच्छे हैं, सब वो अपने आप ऑटोमेटिक साथ हो जाते हैं। थोड़ी सी हम व्यवस्था इसलिए बना के रखते हैं कि जो जो हैं वह पीछे रहेंगे और जिनने पुण्य अर्जन किया है वो आगे हैं ताकि अपने आप दिखे। चलेगा 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, दो 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, दो और 11,111 रुपए, एक दो तीन, और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान पवन कुमार जी, रनी जैन, रितिका जैन, सचिन जैन, सीपरी बाजार झांसी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, यह भी आएंगे अग्रिम पंक्ति में और आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया। चूंकि आज जो आहार पुण्य अर्जक है जिन्होंने आज आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित किया है, यह परिवार हमारे ललितपुर के ही है। आकाश भारत गैस जिन्होंने इतना बड़ा दान महाराज जी के मात्र आहार दान में किया था, आपने देखा होगा जब महाराज जी के आहार हुए भारत गैस के यहाँ तब उन्होंने 2 लाख रुपए बोले, लेकिन जब महाराज जी का आशीर्वाद मिला तो उस 2 लाख रुपए को एक, अब हम वो घोषणा नहीं कर रहे,
एक खोखा प्लस 11 लाख में परिवर्तित किया था। यह वह परिवार है और इनकी भी सोच है कि यदि महाराज जी का चतुर्मास यहाँ होगा तो हम भी अपने दान में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे झांसी वाले चलेगा। इसी क्रम में तृतीय थाल से आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, 11,111 रुपए जिनकी भावना है शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के तृतीय थाल से आरती करने का सौभाग्य हमारे अंचल जी भी पूरी कमेटी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। वही भी आज के हमारे आहार पुण्यार्जक जो हैं हमारे, जिन्होंने महाराज जी को आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित किया है, पूरी कमेटी के साथ उनके साथ में जुड़ेंगे और हम सभी लोग मिलकर करेंगे आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे